मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका मेरे नए लेटेस्ट वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज जवान फिल्म को लेकर, बात करेंगे शाहरुख खान को लेकर, बात करेंगे आदि पुरुष फिल्म को लेकर, बात करेंगे। दो फिल्में हैं जो जून के महीने के अंदर आई। जब से पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों, फिल्म बनाना ये सबसे बड़ी बात नहीं, आपने फिल्म बना दी लेकिन उसकी जो अपडेट है वो जनता तक नहीं पहुँचे तो भी बेकार है। जी हम बात करने वाले जवान पठान के बाद SRK की जो फिल्म है उसका, जवान का जो भाई क्रेज़ है, बाप लेवल का क्रेज है दोस्तों, हर कोई देखना चाहता है। तो दोस्तों जवान फिल्म देखना चाहता है लेकिन जवान के जो मेकर्स हैं वो बिल्कुल सो रहे हैं। और फिल्म अगर 2 जून को आती है तो उसको 2 जून को आने को तो बिल्कुल समय नहीं बचा है, लेकिन इटली एंड कंपनी बिल्कुल सो रही है दोस्तों। जब पठान के बाद जवान का अनाउंसमेंट किया गया तो जो फैन है उनके अंदर जो एक्साइटमेंट थी भाई, आप देख सकते हो इतनी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट थी, ज़बरदस्त है। लेकिन फिल्म के मेकर्स हैं, एक एक्साइटमेंट, एक भी न्यूज़ फिल्म की तरफ से नहीं आ रहा है, ना ट्रेलर है, ना टीजर है, ना पोस्टर है, ना सॉन्ग है दोस्तों, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तो मैं मानता हूँ कि जो SRK के फैन है वो इस फिल्म के इंटरेस्ट को बचा के रखे हुए हैं, आए दिन इसके ऊपर अपडेट देते रहते हैं, जो लोगों के बीच में फिल्म जवान है उसको जिंदा रखा अभी तक। ये सारी की सारी जो मेहनत है, ये सारी की सारी मेहनत SRK के जो फैन है दोस्तों वो कर रहे हैं, फिल्म के मेकर्स का इसमें 0% हाथ है। लेकिन जो फैन है, मूवी लवर है, उनको भी इंतजार है तो सिर्फ जवान फिल्म का इंतजार है। भाई इनमें घबराने वाली क्या बात है, जब इतनी सारी ऑडियंस आपके साथ है, जवान फिल्म को देखना चाहती है, तो फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो भी कुछ ना कुछ इस फिल्म को लेकर आते रहें। जवान फिल्म को लेकर ही वैसे बहुत अधिक बज बना हुआ है। 2 जून को कह रहे हैं हम फिल्म रिलीज़ करेंगे, लेकिन फिल्म रिलीज़ करने के नाम पर न आपने ट्रेलर दिया है, न टीजर दिया है, न पोस्टर दिया है। उससे पहले आप कह रहे थे कि सलमान खान की फिल्म के साथ आएगा, ईद के ऊपर आएगा, भाई उसके ऊपर भी कुछ नहीं दिया, टीजर छोड़ो आपने पोस्टर तक भी नहीं दिया। अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मुझे बताई जा रही है, 2 मई को शायद कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, टीजर पोस्टर कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो देना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 मई को भी नहीं देते हो तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपको फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर फिल्म का ग्राफ नीचे जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप SRK को मत देना, क्योंकि SRK का बेसिक स्टार्टअप बहुत बड़ा है। लेकिन आप फिल्म को लेकर कुछ भी जारी नहीं कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो SRK का स्टार्टअप भी फिल्म को दोस्तों कब तक बचाएगा? बाकी फिल्म के मेकर्स को चाहिए था कि जब SRK का स्टार्टअप इतना बड़ा है, इस फिल्म के बाद इतनी अधिक एक प्रकार से बज बन गया है, तो उसका फ़ायदा उठाना था और कुछ ना कुछ इस फिल्म का लगातार दर्शकों के बीच में इन्फॉर्मेशन चलती रहनी थी। वहीं पर दूसरी फिल्म है जो जून के अंदर आ रही है। जी हम दोस्तों बात करने वाले हैं आदि पुरुष फिल्म के। जब सबसे पहले इसके फिल्म के कुछ पोस्टर वगैरह किए गए थे और टीजर लाया गया था तो लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम के मेकर्स है वो हार मानने वाले नहीं है। लगातार फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ लगातार पोस्टर आता रहता है और जो मोशन वीडियो वो आते रहते हैं। और अब तो ये खबर आ रही है कि इस फिल्म को लेकर दोस्तों अभी 16 तारीख को टीजर भी आने वाला है, तो ये फिल्म बिल्कुल नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम के जो मेकर्स हैं उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार दोस्तों एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और पोस्टर है जिसको लेकर आदि पुरुष फिल्म का जो बूस्ट है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, लेकिन इससे पहले आदि पुरुष का बूस्ट बहुत नीचे था, लेकिन आदि पुरुष लगातार अब ग्रो कर रही है। तो फिल्म को लेकर जो फिल्म की टीम है वो लगातार एफर्ट्स कर रही है और हार नहीं मान रही है। एक दूसरी तरफ जो जवान है SRK है, उसका इतना बड़ा स्टारडम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम के मेकर्स हैं और जो फिल्म के हीरो हैं वो लोग सो रहे हैं। यार इतने लोग आपको चाहते हैं देखना, तो आपको कम से कम उसका बेनिफिट उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ आदि पुरुष है जिसको लेकर बज नहीं है, लेकिन फिर भी टीम एफर्ट्स कर रही है। बाकी आपके सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस फिल्म के बारे में जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, मैं इंतजार करूँ आपकी रिप्लाई का।